तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं 5 माइकिंग टेक्निक्स आपके एकूस्टिक गिटार के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम हार्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा 10th वीडियो 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज से, जहां पे मैं बात कर रहा हूं 5 माइकिंग टेक्निक्स के बारे में जो आप अपने एकूस्टिक गिटार पे कर सकते हैं। तो माइकिंग टेक्निक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके रिकॉर्डिंग्स में। अगर आपकी माइकिंग टेक्निक सही है तो आपकी रिकॉर्डिंग्स अच्छी साउंड करती है, और अगर आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी साउंड करती है तो आपके ओवरऑल गाना भी अच्छा साउंड करेगा। तो रिकॉर्डिंग टेक्निक्स, माइकिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी गाने को बनाने की बात करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं सीधे 5 अलग अलग माइकिंग टेक्निक्स को। तो ये जो माइकिंग टेक्निक है दोस्तों, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एक डायनामिक माइक्रोफोन है। और जैसे आप देख सकते हैं ये एक SM57 है, ये एक श्योर का SM57 माइक्रोफोन है, ये एक डायनामिक माइक्रोफोन है। और इसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ अपने गिटार के इस पोर्शन पे, जिससे हमें ज़्यादा हाइज भी नहीं आएंगे और ज़्यादा लोज भी नहीं आएंगे। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोजीशंस है जब गिटार रिकॉर्डिंग्स, एकूस्टिक गिटार रिकॉर्डिंग्स की बात करें। तो चलिए पहले हम इसको सुनते हैं कि ये कैसा साउंड करता है। तो ये जो अगला माइकिंग टेक्निक है दोस्तों, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। और जैसे आप देख सकते हैं ये एक B2 Pro है, Behringer B2 Pro है, जो एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। और अभी ये कार्डियोइड पैटर्न में है, ये ओमनी डायरेक्शनल नहीं है और ये कार्डियोइड पैटर्न में है। और मैंने इसको प्लेस किया है अपने होल के बिल्कुल फ्रंट पे। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे होल के बिल्कुल फ्रंट पे है, लेकिन ये फेस कर रहा है हमारे 12th फ्रेट को, यानी कि ये देख रहा है हमारे 12th फ्रेट को, लेकिन ये प्लेस्ड है बिल्कुल हमारे होल के आगे। तो इस तरीके से आप अपने कंडेंसर्स को माइक कर सकते हैं। और चलिए सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है। तो अगला जो टेक्निक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं मिड साइड टेक्निक। और इस पे आप देख सकते हैं दो माइक्रोफोन्स का यूज़ हो रहा है, एक कंडेंसर एक डायनामिक। और जैसे आप देख सकते हैं ये नीचे का Behringer जो है, जो B2 Pro है, कंडेंसर माइक्रोफोन जो है हमारा, वो फेस कर रहा है इस साइड को। और इसका पोलर पैटर्न अभी फिगर ऑफ 8 पे है, यानी कि ये इस साइड से और इस साइड से पिकअप कर रहा है। और हमारा ऊपर प्लेस है एक डायनामिक SM57 जो हमारा पोजीशन है उसी सेम जगह पे गिटार के इस पोर्शन पे, जिससे वो डायरेक्टली गिटार सोर्स को कैप्चर कर रहा होगा। तो चलिए सुनते हैं हम एक बारी कि ये कैसा साउंड करता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी आप मिड साइड टेक्निक करते हैं, वो है कि जो आपका डायनामिक माइक्रोफोन है, जो आपकी गिटार को फेस कर रहा है, वो आपके रिकॉर्डिंग पे सेंटर पे रहेगा। और जो आपका फिगर ऑफ 8 पैटर्न में जो माइक्रोफोन है, जो आपने नीचे कंडेंसर लगाया है, उस ट्रैक को आप डुप्लीकेट करेंगे। एक को आप पैन लेफ्ट करेंगे हार्ड लेफ्ट, एक को आप पैन हार्ड राइट करेंगे, और एक का फेज आप इन्वर्ट करेंगे। और अगला जो माइकिंग टेक्निक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं स्पेस्ड या 3:1, जिस पे मैंने दो पेंसिल कंडेंसर्स को यूज़ किया है और ये मैच्ड पेयर है। और इनमें से एक फेस कर रहा है मेरे होल के आसपास, मेरे गिटार के बॉडी को कैप्चर करने के लिए, और दूसरा फेस कर रहा है मेरे 12th फ्रेट को, मेरे गिटार के 12th फ्रेट को, ताकि वो हाई नोट्स कैप्चर हो सके, हाई उसका रेजोनेंस कैप्चर हो सके। और हम इसको पैन करने वाले हैं लेफ्ट एंड राइट। तो चलिए हम सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है।
और ये जो आखिरी टेक्निक है दोस्तों, इसको हम कहते हैं एक्स वाई। और अगर आपने जूम्स देखे होंगे, जूम के पोर्टेबल रिकॉर्डर्स देखे होंगे, तो वहाँ पे भी दो माइक प्लेस होते हैं उनके बिल्कुल आगे उनके फ्रंट पे, जो इसी पोजीशन पे होते हैं, एक्स वाई पे होते हैं। और ये भी कुछ इसी तरीके से है कि ये एक हमारे फेस कर रहा है गिटार के बॉडी को और एक फेस कर रहा है हमारे गिटार के फ्रेट को। तो चलिए सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है। तो ये था मेरा वीडियो दोस्तों, 5 माइकिंग टेक्निक्स के बारे में जो आपके एकूस्टिक गिटार पे आप कर सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला, तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल का आइकन दबाइए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे रेगुलर अपडेट्स होते हैं, मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, आप मुझसे बातें कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।